रूल्स टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो रूल्स क्या हैं टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर? फर्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज प्लस वन। मीन्स एल्कली मेटल्स यू नो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम भी होता है, बट देयर इज नो नीड टू राइट इट क्योंकि उसका कंपाउंड तो कोई नोन है नहीं, है ना। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑलवेज प्लस वन। सेकेंड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन देयर कंपाउंड्स इज ऑलवेज प्लस टू। मीन्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, हमेशा क्या होगा? प्लस टू। थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन इट्स एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज जीरो। जैसे मैं लिखूं ऑक्सीजन की एलिमेंटल स्टेट क्या है? ओ टू। नाइट्रोजन की एन टू, फ्लोरीन की एफ टू। तो जो भी एलिमेंटल स्टेट में हो, सोडियम की सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम सॉलिड, है ना, तो ऐसे कोई भी एलिमेंट हो जो कि उनकी एलिमेंटल स्टेट में ही हो, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो हमेशा क्या होता है? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है एक्चुअल में? इज द फॉर्मल चार्ज ऑन द एटम इन अ कंपाउंड, जो कि कैसे उसको देते हैं हम, इट इज सर्टेन अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, जो हम करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, और उसके बेस पे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, कोवेलेंट बॉन्ड इज एंटायरली बिलोंग टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड बिलोंग्स एंटायरली टू किसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑलवेज प्लस थ्री इन इट्स कंपाउंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स इज माइनस टू, बट देर आर फ्यू एक्सेप्शंस। जैसे कुछ में क्या होता है कि परऑक्साइड होता है, बट रेयर होते हैं परऑक्साइड्स एंड सुपरऑक्साइड्स, वो मैं अलग से बताऊंगा आपको कि कहां पे ये यूज होते हैं। परऑक्साइड जैसे H2O2 है या Na2O2 है, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? माइनस वन। ठीक है, और सुपरऑक्साइड्स तो जनरली कौन बनाता है? एल्कली मेटल्स, जैसे KO2, RbO2, है ना, तो उनमें ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दैट इज माइनस वन बाई टू, क्योंकि O2 पे वन नेगेटिव होगा ना पूरे पे। और बिल्कुल रेयर कंपाउंड होता है, है ना, जब ऑक्सीजन जो है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, और वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ होता है, वो एक OF2 बनाता है और एक O2F2। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? प्लस टू, और O2F2 में प्लस वन। बस दीज आर द एक्सेप्शंस, अदरवाइज कोई भी कंपाउंड आपको जब भी असाइन करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप क्या असाइन करोगे? हमेशा माइनस टू ही असाइन करना है।
कब माइनस वन असाइन करना है, कब हाफ माइनस हाफ असाइन करना है, प्लस टू प्लस वन तो क्लियर ही है, ये दो ही कंपाउंड है OF2 और O2F2, इन दोनों में ही ऑक्सीजन प्लस टू और प्लस वन होता है ना, बाकी किसी में भी ऑक्सीजन का प्लस ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है। देन कम टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है इज प्लस वन, कब, व्हेन इट इज बॉन्डेड टू नॉन मेटल्स, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज माइनस वन व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स। ठीक है, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो इसमें अब तो लिथियम जो है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम हमेशा क्या होगा प्लस वन एंड प्लस टू, तो हाइड्रोजन का क्या होगा ऑब्वियसली माइनस वन, हाइड्रोजन का या प्लस वन होता है या माइनस वन होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इट इज प्लस वन है ना, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HI है, कुछ भी नॉन मेटल के साथ कभी भी जुड़ा होगा तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस वन। ठीक है, और अगर मेटल के साथ होगा तो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज माइनस वन। देन फ्लोरीन, इन ऑल इट्स कंपाउंड्स फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ माइनस वन, ओके, क्योंकि इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए हमेशा ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन। ठीक है, बट अगर हम बात करें बाकी हेलोजन्स की, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन की, तो दे कैन हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम माइनस वन टू प्लस सेवन, दे कैन शो प्लस ऑक्सीडेशन नंबर, दे हैव अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स, ठीक है, व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन। देन रूल नंबर एट, जो अल्जेब्रिक सम होगा ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड मस्ट बी जीरो, मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा कोई भी तो जो अल्जेब्रिक सम आएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन अ कंपाउंड दैट मस्ट बी जीरो, और इन पॉलीएटॉमिक आयंस जो अल्जेब्रिक सम आएगा ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर्स एटम्स ऑफ द आयन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, जो चार्ज होगा आयन पे उसके बराबर आएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो ये रूल है पूरा, तो इस रूल के बेसिस पे बाय अप्लाइंग दिस रूल्स वी कैन कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन अ कंपाउंड। लेट्स हैव सी आर ओ फोर टू नेगेटिव, वी हैव सी आर ओ फोर टू नेगेटिव, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो बेटा क्या करना है आपको, पहले CrO4 इस पूरे के ऊपर चार्ज किया बेटा 2 नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका फाइंड आउट करना है उसको ले लेंगे X, और ऑक्सीजन का क्या होता है माइनस टू, तो ये हो जाएगा X माइनस एट, फोर टू एट That is equal to minus 2. So that implies X जो है that is minus 2 plus 8. तो X कितना हो जाएगा? Plus 6. X का जो oxidation number है chromium का
दैट इज प्लस 6। इसे एक और लिखता हूं मैं, HClO4। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करो। क्योंकि क्लोरीन को x ले लेंगे, हाइड्रोजन क्या है प्लस 1, क्योंकि क्लोरीन इज अटैच्ड टू, हाइड्रोजन इज अटैच्ड टू क्लोरीन और ऑक्सीजन, है ना, और नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा माइनस 2, तो इट इज 1 प्लस x माइनस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 7 इक्वल टू 0, मतलब x हो जाएगा प्लस 7। देन कम टू Cr2O7 2 नेगेटिव। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? देखो सिंपल सा फंडा है, ये Cr2O7 के ऊपर 2 नेगेटिव लगाया, क्रोमियम का फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको ले लिया x। ऑक्सीजन पे क्या अभी बताया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? माइनस 2, तो 2 इंटू एक्स, 2x हो गया, 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, एंड दैट इज इक्वल टू, जो अल्जेब्रिक सम टोटल आएगा दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन, तो चार्ज कितना आयन पे? माइनस 2, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल टू माइनस 2 प्लस 14, मतलब प्लस 12, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू प्लस 6, दैट्स इट, गॉट इट? SO, चलो SO3 2 नेगेटिव। बोलो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? तो SO3 2 नेगेटिव में क्या करोगे, ये SO3 है और इसके ऊपर है 2 नेगेटिव, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको x ले लोगे, ऑक्सीजन माइनस 2, तो x माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, तो x कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 6, तो x कितना हो जाएगा प्लस 4, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 आ गया। ClO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, क्योंकि ClO2 जो है उसमें पूरे में माइनस 1, Cl पे x और ये माइनस 2, तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस 1, तो x हो जाएगा प्लस 3। इधर NO3 4 कैसे, x ये माइनस 2, तो x माइनस क्या हो गया 6 इक्वल टू माइनस 1, प्लस 5 आएगा ना, व्हाट अबाउट दिस NO, ये x और ये माइनस 2, तो x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, तो x क्या हो जाएगा प्लस 3। चलो एक एक करके बताओ, चलो P4O10, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस? ये x है फास्फोरस, तो 4x माइनस 20, 0, दैट इंप्लाइज 4x इक्वल टू प्लस 20 एंड x इज प्लस 5, ठीक है ओके, बस तो ऐसे ही कर रहे हैं सब।